मैं पटना आई हुई हूँ, मेरा कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में मैं पाटलिपुत्र होटल में रुकी हूँ। और ये जो होटल है बहुत ही मार्केट के अंदर है, बहुत ही कंजेस्टेड है और लेकिन बहुत अच्छा है, अंदर से भी बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा है और लेकिन मार्केट यहाँ बहुत पास है और पास होने की वजह से जो है यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है बहुत ही अच्छा। ये कार आ रही है, देखिए लोग इसमें आते हैं, अभी मैं इसके अंदर जा रही हूँ। ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है, ये इसका एंट्रेंस है, बहुत ही अच्छा है अंदर से और फोर स्टार होटल है ये। ये आई थिंक यहाँ पर ये बैठने का है, यहाँ से मैरिज भी होती है और यहाँ दूल्हे वगैरह के बैठने के लिए भी है। आइसक्रीम कॉर्नर ब्यूटीफुल, आई थिंक यहाँ पे क्या मिल रहा है ब्यूटीफुल, यहाँ से मैंने कल लिया था। ये देखिए यहाँ मैरिज वैरिज होती है, लोग की बैकेज रखा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए, अभी मैंने जैसे दिखाया ये बेकिंग, मतलब यहाँ पे केक वगैरह मिलता है, ये होटल का कॉर्नर है। और कल हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे मतलब केक्स वगैरह पेस्ट्री वगैरह लिया था। और उसके बाद ये हमारी लिफ्ट है जिससे हम ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छा होटल, गुड होटल। और पटना में काफ़ी जो है अभी बहुत जो है डेवलपमेंट हो गया है, बहुत ही अच्छा है और मेन सिटी में है। सबसे बड़ी बात है कि ये मेन सिटी में है, आपको हर चीज़ बड़ी ईजली जो है अवेलेबल हो जाती है। और मैं जो हूँ लिफ्ट का वेट कर रही हूँ कि लिफ्ट आएगी और हमें, मेरा रूम नंबर 501 है, 5th फ्लोर पर मैं हूँ और इस होटल का नाम है पाटलिपुत्र। बहुत ही अच्छा है, एग्जीबिशन रोड पर है, बहुत अच्छा होटल है और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था और मैंने जो देखा यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट। ये यहाँ का कैफेटेरिया है जहाँ पर हम लोग लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। सी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नीटनेस है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी मैं पाटलिपुत्र होटल के ऊपर खड़ी हूँ जहाँ से पूरा पट्टा देखिए दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यूज है। और ये पूरा पट्टा, ये देखिए ये जहाज़, ये देखिए सी, और ये पूरा ये जो है पट्टा दिखाई दे रहा है। और अभी पट्टा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही डेवलप सिटी जो है बन गया है अपने आप में, बहुत सुंदर। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, सभी कुछ है। ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगी, बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छा है। और बेस्ट होटल पाटलिपुत्र यहाँ का जो है होटल है और ये सिटी के बीच में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं टेरेस पर आई हूँ यहाँ पर और टेरेस से मैं आप लोगों को पटना का व्यू दिखाना चाहती हूँ। देखिए सी, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा और काफ़ी डेवलप, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जैसे लखनऊ की यूपी की हूँ, बट बहुत ही कहते हैं ना कि अभी मैंने जो यहाँ पर पुल, ब्रिज और मॉल, और कल मैं इवन मूवी देखने गई, मूवी हॉल भी गई मैं, काफ़ी मूवी हॉल मुझे पसंद आए यहाँ पर। और मोना मूवी हॉल है, फन मूवी हॉल है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद मैं आपको अब नीचे ले चलती हूँ, मैं दिखाऊंगी नीचे आपको। हाँ, पाटलिपुत्र होटल में जो है मैरिज भी होती है और बहुत अच्छी है। ये देखिए मैं दिखाऊँगी, स्टोर में बॉटल्स है और बहुत अच्छी जो है यहाँ मैरिज है। कल भी मैरिज हुई, कल मैं यहाँ होटल में 2 दिन से रुकी हुई हूँ। तो ये देखिए कल एक मैरिज हुई थी जिसका डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशन। ये देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है और ये अच्छा डेकोरेशन है। कल ही मैरिज हुई थी, एक एंगेजमेंट भी हुई थी जिसका ये डेकोरेशन है, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता था जब तक मैं पटना नहीं आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर जो है वो इतना डेवलप नहीं होगा,
पर काफ़ी डेवलप है। ये देखिए यहाँ का सुंदर हॉल, ये सारा सामान उतारा जा रहा है, शादी हो चुकी, इंगेजमेंट हो चुका है, ये डीजे वगैरह है, वो देखिए मंडप लगा हुआ है। कल शादी थी, कल मैं दो दिन से होटल में रुकी हूँ तो मैंने देखा कल शादी थी, लड़की आई और यहाँ ये मंडप है। ये देखिए मंडप है, सामान उतारा जा रहा है, खाली किया जा रहा है, ये देखिए सारा सामान उतरा हुआ पड़ा है। और ये इनका हॉल है, ये पूरा इनका हॉल है, ये देखिए ये इनके हॉल से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं बाहर आ रही हूँ और ये देखिए ये इनका गेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने ये गेट बनाया है, बहुत सुंदर गेट बनाया है, बहुत सुंदर ये गेट है, डेकोरेशन अच्छा गेट बनाया है बाहर एंट्रेंस के लिए। और अभी ये सामान को सब पैकअप किया जा रहा है। दूसरा हॉल भी है, बहुत प्यारा सारा सब कुछ बढ़िया। ये देखिए स्टेज, यहाँ शादी हुई थी, बहुत अच्छा स्टेज है, कल शादी हुई थी उसी का स्टेज है, लड़का लड़की बैठे हुए थे। मैं तो यहाँ शादी में नहीं आई हूँ, मैं कोई फंक्शन अटेंड करने इस होटल में रुकी हूँ, बट मैं दिखा रही हूँ स्टेज और ये सारा डेकोरेशन है सारा। ये देखिए अभी मैं फिफ्थ फ्लोर पे हूँ, ये देखिए यहाँ की लॉबी, यहाँ थोड़ी लाइट है क्योंकि जनरली लॉबी वगैरह में लाइट जो है वो थोड़ी सी कम होती है, मैंने देखा है। सो यहाँ लाइट है और मैं अभी इसको घुमा रही हूँ कैमरे को। ये लॉबी में पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई है। और यहाँ लाइट थोड़ी सी है क्योंकि जनरली जो है होटलों में लाइट नहीं होती है। ये देखिए, ये मैंने झारखंड ऊपर से दिखाया था और आप ये देखिए नीचे से, और ये यहाँ का नीचे है। आई थिंक ये सिक्स फ्लोर है, सिक्स फ्लोर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। और ये यहाँ की लॉबी में मैं जा रही हूँ अपने रूम में और क्लीनिंग चल रही है रूम की और ये रूम आई थिंक साफ़ हो चुका है ना, क्लीन हो चुका है। अच्छा ओके, तो कोई रूम क्लीन है क्या? ये पुष्पा ने जो है दरवाज़ा को खोला है, ओपन किया है कार डालकर, और ये है पुष्पा, हाउसकीपिंग की इंचार्ज हैं ये। और ये मुझे अभी मैं जिस होटल में रुकी हूँ वो दिखा रही हूँ, ये देखिए ब्यूटीफुल जो है ये रूम है। और यहाँ पर जो है मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छा सा है सारा इंतजाम। और मैं भी तीन दिन यहाँ रुकी हूँ और ये यहाँ का बेड है, ये देखिए यहाँ का ये बेड है। इसके साथ साथ ये देखिए कप चाय सब कुछ है। और मैं दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इन्होंने मिरर विरर लगाया है। ये सारा बाथरूम है, इसके अलावा ये पुष्पा जी खड़ी है। और अब मैं आगे जा रही हूँ अपने रूम में, बोल रही है कितना दिखाएंगी, ये मेरा बेड ये है, यहाँ पर एक प्यारी सी पेंटिंग लगी है, बहुत प्यारी सी पेंटिंग है ये देखिए। और हाँ, और ये देखिए सोफ़ा, और कर्टन खोलेगी पुष्पा, और ये कर्टन बस 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 एक ही ठीक है, एक बंद कर दीजिए। और ये है, ये यहाँ का लैंप है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब मैं एंजॉय कर रही हूँ। सर्विस रूम है, इसमें जो है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लगा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बढ़िया रूम है और 4-5 स्टार होटल है, बढ़िया रूम है। और मैंने अपना वेट इस पर लिया है, शादी वादी हुई है घर में मेरे, तो आई थिंक 1-2 kg वेट बढ़ गया है, उसका मैं ध्यान करूँगी और शादी में बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मैं आने वाले 1 महीने के अंदर जो हूँ फिट हो जाऊँगी, बढ़िया हो जाऊँगी। थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और वो नहीं दे पाई हूँ बच्चे की मैरिज की वजह से। सो अभी जो हुआ है, मैं ये मेरा बेटा भी आया हुआ है यहाँ पर, और अब मैं चल रही हूँ। और थोड़ा सा 2 kg वेट ज़्यादा हो गया है, इसके लिए मैं वरी हूँ बहुत ज़्यादा, तो लेकिन इंजॉय कर रही हूँ ना, शादी में मैंने खाया वाया बहुत है, सो कोई बात नहीं और मैं जो हूँ जल्दी आने वाले समय में फिर से फिट हो जाऊँगी और बाकी सब बढ़िया। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम है, तो आप लोग अगर पटना आइए तो ज़रूर यहाँ पर आइए, ये होटल बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।